बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने स्कैनर फंक्शन की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम सी लैंग्वेज में एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में आप कई तरह के करेक्टर्स को यूज करते हैं जिनमें कुछ स्पेशल करेक्टर्स भी होते हैं, एंड दीज स्पेशल करेक्टर्स आर कॉल्ड एस्केप सीक्वेंसेस, जिनको अपने फॉर्मेट स्ट्रिंग में यूज करके आप अपने प्रोग्राम के आउटपुट को मॉडिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि आपके प्रोग्राम को आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाने के लिए हम प्रिंटएफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और प्रिंटएफ फंक्शन के इन्वर्टेड कॉमास में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपको आउटपुट स्क्रीन पर शो होगा। लेकिन उस आउटपुट को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए अगर आप अपने उन इन्वर्टेड कॉमास में, यानी प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर मौजूद इन्वर्टेड कॉमास में इन स्केप सीक्वेंसेस का भी इजाफा कर देंगे, तो फिर आपका आउटपुट मजीद इनहांस हो सकता है, मजीद खूबसूरत हो सकता है। और दोस्तों, याद रखिए, तमाम एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश के सिंबल से स्टार्ट होते हैं। यानी जब कभी भी अगर आप अपने प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग में बैक स्लैश को यूज करते हैं, तो फिर आपका कंपाइलर ये समझ जाता है कि अब इसके साथ कोई ना कोई करेक्टर होगा, और वो करेक्टर और बैक स्लैश मिलकर आपको एक एस्केप सीक्वेंस फराहम करेंगे। और दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीन पर तमाम कॉन्स्टेंट की कॉलम में नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस। और आप देख सकते हैं कि ये तमाम एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं वो बैक स्लैश के सिंबल से स्टार्ट हुए हैं। लेकिन बैक स्लैश के बाद आप किस करेक्टर का इंतखाब करते हैं वो ये बताता है कि ये जो आपका एस्केप सीक्वेंस है ये क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। और दोस्तों, याद रखिए, आप बैक स्लैश के बाद अपनी मर्जी के किसी करेक्टर को यूज नहीं कर सकते, बल्कि इस टेबल में मौजूद कुछ खास करेक्टर्स को ही यूज कर सकते हैं जिनकी फंक्शनैलिटी पहले से ही डिफाइन होगी। अब दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहले आपको एस्केप सीक्वेंस नजर आ रहा है वो है बैक स्लैश टी, जो कि आपके टेक्स्ट के दरमियान टैब को डाल देगा। इस तरीके से बैक स्लैश बी जो है वो आपके आउटपुट को एक स्पेस पीछे कर देगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ये और समझ में आएगा। इसके अलावा दोस्तों, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश एन, जो कि न्यू लाइन को अगर आप अपने आउटपुट में इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। बैक स्लैश आर जो है वो कैरेज रिटर्न के लिए होता है। और दोस्तों, ये तमाम आपको तमाम एस्केप सीक्वेंसेस नजर आ रहे हैं। अब आइए इनको प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। दोस्तों, ये आपको एक प्रोग्राम नजर आ रहा है जिसमें हमने प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट करवाया है। अगर हम इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पर आपको सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप अपने इसी आउटपुट को मजीद इनहांस करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर, यानी इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है, इसके अंदर बैक स्लैश टी या फिर जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम इस हेलो और वर्ड के दरमियान बैक स्लैश टी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, ये इन दोनों वर्ड्स के दरमियान 8 स्पेसेस को छोड़ देगा, यानी एक टैब की इंसर्ट कर देगा। तो ये देखिए दोस्तों, जब हम इसको रन करेंगे तो अब हेलो और वर्ड के दरमियान 8 स्पेसेस का फासला आ गया है। इसके बाद दोस्तों, जो अगला स्केप सीक्वेंस है वो है हमारे पास बैक स्लैश बी। बैक स्लैश बी क्या करता है दोस्तों, ये आपकी इस कर्सर को एक स्पेस पीछे कर देगा, यानी यहाँ से इस ओ को रिमूव कर देगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका कर्सर मौजूद है। जैसे ही ये इस करेक्टर पर आएगा तो ये इस करेक्टर को रिमूव कर देगा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये जो ओ है ये रिमूव हो चुका है, क्योंकि हमने अपना बैक स्लैश बी जो है वो यहाँ पर इसके दरमियान में लिखा था। तो इस तरीके से दोस्तों, ये बैक स्पेस जो है एस्केप सीक्वेंस काम करता है। इसके बाद है बैक स्लैश एन, यानी न्यू लाइन, अगर आप इन दोनों वर्ड्स के दरमियान इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप बैक स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, इन दोनों वर्ड्स के दरमियान न्यू लाइन जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी वर्ड को सिंगल कोटेशन में लिखना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, करेक्टर के लिए हम सिंगल कोटेशन का यूज करते हैं, और अगर किसी स्ट्रिंग को हमें प्रिंट करवाना होता है तो हम डबल कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर दोस्तों हमें अपने किसी सिंगल कोटेशन के टेक्स्ट को ही स्क्रीन पर शो करवाना है तो वो आप कैसे करेंगे, आप बैक स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। बैक स्लैश के बाद आप सिंगल कोटेशन को इंसर्ट करेंगे इस तरह से। तो जैसे ही आप सिंगल कोटेशन को इंसर्ट करेंगे इस तरह से, तो आपके आउटपुट स्क्रीन पर भी आपको ये जो आपका वर्ड है ये आपको सिंगल कोटेशन में नजर आएगा।
इस तरह से, ये देखिए दोस्तों, ये भी सिंगल कोटेशन में है और यहाँ भी ये सिंगल कोटेशन में है। इसी तरीके से डबल कोटेशन के लिए आप ये सिंगल कोट के बजाय डबल कोटेशन मार्क्स लिख देंगे। यानी दोस्तों, अगर आप सिंगल कोटेशन के अंदर अपना कोई आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाना चाहते हैं या डबल कोटेशन के अंदर करवाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको बैक स्लैश का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आपका कंपाइलर बैक स्लैश को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये कोई आम सिंबल नहीं है, बल्कि ये एक एस्केप सीक्वेंस है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ एस्केप सीक्वेंस। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक कमेंट्स की डिटेल्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।